नाउ नेक्स्ट वन, मैंने प्रीवियस सेशन में जैसे डिस्कशन प्रोवाइड किया था अबाउट एरे ऑफ पॉइंटर्स, लेकिन इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू एन एरे। जनरली पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में थ्री पॉसिबल केसेस हैं जो कि जस्ट मैंने एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड एग्जांपल्स। क्लियर? इस काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए पॉइंटर टू एन एरे। अभी तक आपने देखा जब भी आप कोई पॉइंटर क्रिएट करते हो पॉइंटर्स के अंदर किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस असाइन कराना पॉसिबल था, लेकिन अगर जब किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में आप एरे का एड्रेस असाइन कराते हो तो इस केस में जस्ट पॉइंटर्स के थ्रू ओनली एरे का फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट करना पॉसिबल था। बट सपोज दैट माई रिक्वायरमेंट इज दैट यू वॉन्ट टू पॉइंटिंग होल एरे नॉट अ सिंगल एलिमेंट, मीन किसी पर्टिकुलर केस में मीन एरे का एक सिंगल एलिमेंट पॉइंट करा के सपोज दैट मुझे एरे के कंप्लीटली एलिमेंट्स को पॉइंट कराना या फिर एरे के किसी पार्ट ऑफ एलिमेंट्स को पॉइंट कराना, देन इस केस में आप यूज क्या करोगे पॉइंटर टू एन एरे। इट विल पॉइंट पार्ट ऑफ एरे और कंप्लीट एरे, मीन पॉइंटर टू एन एरे के थ्रू या तो एरे का कंप्लीट पार्ट पॉइंट कराना पॉसिबल है, एरे कंप्लीटली पॉइंट कराना पॉसिबल है। जस्ट इस केस में इसके सिंटेक्सिस की बात करें, इसका बेसिक सिंटेक्स फॉलो करोगे सेम एज प्रीवियस मोड, लाइक डेटा टाइप सपोज दैट मैं इंटीजर के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेटा टाइप यूज करूँ इस केस में इंट, देन स्टार पी, पी मीन्स पॉइंटर नेम, देन साइज समथिंग फाइव। इस केस में अगर सिंटेक्टिकली बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, इस केस में लुक्स लाइक सम एरे डिक्लेरेशन, लेकिन इस केस में कोई एरे डिक्लेरेशन नहीं है, इट इज सिंपली पॉइंटर डिक्लेरेशन, मीन्स इस केस में पी क्या एरे और पॉइंटर, पी इज अ पॉइंटर नॉट अ एरे। अगर रियल में पी पॉइंटर है देन इस केस में इसका साइज क्या होगा, जस्ट टू बाइट्स। इस अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू पी का साइज डिस्प्ले कराओगे, यानी पी का साइज क्या डिस्प्ले होगा, टू बाइट्स। सेम केस मैंने प्रीवियस सेशन में प्रोवाइड किया था एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन, तो एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन से अगर आप सेम डिक्लेरेशन के अंदर ब्रैकेट्स फॉलो नहीं करो डायरेक्टली डिक्लेरेशन प्रोवाइड करो, इस केस में पी कंसिडर होगा एज अ, हियर पी इज अ एरे नॉट अ पॉइंटर। फर्स्ट डिक्लेरेशन का नेम क्या है, इट इज अ पॉइंटर, पी इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे पॉइंटिंग फाइव एलिमेंट्स, हेयर पी इज अ एरे ऑफ पॉइंटर्स। इन दोनों ही डिक्लेरेशन में एक्जैक्टली डिफरेंस क्या है, इसके साथ पी क्या है एरे, इसे एरे के अंदर फाइव पॉइंटर्स क्रिएट होंगे, फाइव एलिमेंट्स क्रिएट होंगे, सिंगल पॉइंटर का साइज अगर टू बाइट है इन केस ऑफ 16 बिट कंपाइलर, तो इसके इसमें फाइव पॉइंटर का साइज क्या होगा 10 बाइट, मीन्स अगर आप पी का साइज साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले कराओ तो इस केस में साइज का प्रिंट होगा जस्ट 10 बाइट्स, जबकि फर्स्ट केस में पी का साइज कितना प्रिंट होगा, ओनली 2 बाइट्स। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू डिक्लेरेशन, मीन्स फर्स्ट केस में क्या पॉइंटर टू एन एरे और सेकेंड केस में पी क्या, पी इज एरे ऑफ पॉइंटर, जस्ट सिंपल केस। इस केस में पी क्या एरे, इसके इस एरे के अंदर फाइव पॉइंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट केस में पी क्या, पी इटसेल्फ क्या पॉइंटर, लेकिन इस पॉइंटर के अंदर आप एड्रेस किस टाइप का सेंड कराओगे, एरे टाइप का एड्रेस। हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन हो, एरे टाइप का एड्रेस जस्ट सिंपल पॉइंटर में भी असाइन करना पॉसिबल था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एरे अवेलेबल है एरे डिक्लेरेशन ए ऑफ 6, इस एरे के अंदर जस्ट एलिमेंट्स कितने, 6 एलिमेंट 10 20 30 40 50 60, इस एरे कंटेंस 6 एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, अगर मैं इस केस में सिंपल पॉइंटर क्रिएट करता हूँ इंट स्टार पी इक्वल्स टू ए, तो आपको पता होना चाहिए इस केस में पी में क्या आसान हो जाएगा, इसे एरे का बेस एड्रेस, लेकिन पी का टाइप क्या है इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट करना पॉसिबल, ओनली 2 बाइट्स, मीन्स यहाँ स्टार पी कितने बाइट्स को रेफर करेगा, ओनली 2 बाइट्स। मीन्स जस्ट एरे के रिस्पेक्ट में डायग्राम की बात करें तो एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे, देयर आर 6 एलिमेंट। जैसे एरे कंटेंस 6 एलिमेंट, इन एलिमेंट का टाइप क्या है इंटीजर टाइप, फर्स्ट केस में क्या साइन हो रहा है 10 20 30 40 50 एंड 60। सपोज दैट इसका बेस एड्रेस 100 है, रिमेनिंग एलिमेंट्स का एड्रेस क्या हो 102 104 106 एंड 108 110। इस एरे के कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है ए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिक्लेरेशन। फॉर मोर थिंग्स इस केस में इस लोकेशन का नेम क्या हुआ *100*102 लाइक दैट। क्लियर? जस्ट मैं इस केस में ए के थ्रू कोई भी नेम मेंशन नहीं कर रहा। सेकंड केस में क्या क्रिएट हुआ पी, और पी इस केस में ऑर्डिनरी वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल, पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल, तो पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे जस्ट 2 बाइट्स। सपोज दैट पी का एड्रेस क्या है 200, पी के केस में आसानी क्या हो रहा है ए, और ए के मीन्स एरे नेम,
एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100। नाउ 100 इज असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल पी, तो पी में जैसे ही 100 असाइन हुआ, पी उस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा जिस लोकेशन का एड्रेस 100 है, लेकिन पी के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे, ओनली 2 bytes। तो इस केस में जस्ट एक लोकेशन क्रिएट होगा स्टार पी, तो स्टार पी इस केस में कितने bytes को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली बिगिनिंग 2 bytes। क्लियर, दिस इज द करेंट केस। मीन्स इस केस में पॉइंट क्या है, अगर आप जस्ट ऑर्डिनरी पॉइंटर क्रिएट कर दे तो ऑर्डिनरी पॉइंटर्स के केस में एट ए टाइम किसी भी एरे का ओनली सिंगल एलिमेंट पॉइंट करना पॉसिबल, ओनली 1 element। लेकिन इस केस में रिक्वायरमेंट्स क्या है, माय रिक्वायरमेंट इज दैट वी वांट टू पॉइंटिंग कंप्लीट एरे, मुझे कोई ऐसा पॉइंटर डिफाइन करना है जिसके थ्रू एरे के ऑल एलिमेंट्स पॉइंट करना पॉसिबल। इस टाइप से जैसे अगर ए की बात करें तो ए कितने एलिमेंट का नेम है, 6 element का, लेकिन स्टार पी कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा, ओनली 1। सिमिलरली मुझे ए के सिमिलर मुझे पॉइंटर क्रिएट करना, मीन जिस टाइप से ए के थ्रू होल एरे रिप्रेजेंट होता है, सिमिलरली पॉइंटर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहिए कंप्लीट एरे। देन इस सिचुएशन में आप क्रिएट किया करो पॉइंटर टू एन एरे, प्रोवाइड क्या करें पॉइंटर टू एन एरे। तो इस केस में अगेन मैं फिर से इसको रेफर कर रहा हूँ इंट स्टार क्यू, इसको ब्रैकेट में पास करना कंपलसरी, अदरवाइज ये कन्वर्ट किस में जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स। क्लियर, देन इंट स्टार क्यू नेक्स्ट वन। इस केस में वन थिंग क्लियर, इस केस में आप आसान क्या करना चाहते हो, एड्रेस ऑफ एरे और सिंपली ए। इस केस में जब एरे का एड्रेस असाइन कराओ, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू और रिक्वायरमेंट है कि आप इस पॉइंटर से एरे के अंदर हो सकता है आप ओनली 2 element पॉइंट कराना चाहे, हो सकता है आप बिगिनिंग 3 elements पॉइंट करना चाहे, हो सकता है 4 और हो सकता है कंप्लीट एरे। मिस इस एरे के थ्रू, इस पॉइंटर के थ्रू एरे के कितने एलिमेंट्स पॉइंट करना चाहते हो, इस केस में सप्लाई क्या करो नंबर ऑफ पॉइंटेड एलिमेंट। सपोज करेंटली एरे के अंदर 6 element, वी वांट टू पॉइंटिंग ऑल एलिमेंट, तो इसके सप्लाई क्या करें जस्ट 6। अगेन यहाँ रखना इस केस में क्यू इटसेल्फ कोई भी पॉइंटर, कोई भी एरे क्रिएट नहीं हुआ, मीन्स इस होल स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी कोई एरे क्रिएशन नहीं, सिंपली क्रिएट किया हुआ ओनली पॉइंटर। अगर क्यू रियल में पॉइंटर है तो क्यू के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्यू का साइज क्या हुआ इस केस में, अगर क्यू इटसेल्फ पॉइंटर है और पॉइंटर का साइज क्या होता है 2 bytes, तो क्यू का भी साइज क्या अगेन 2 bytes, समथिंग एड्रेस है 300 प्लस क्यू में साइन क्या हो रहा है एड्रेस ऑफ ए, इसे ए से कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है 2 से, लेकिन एड्रेस ऑफ ए से क्या रिप्रेजेंट हुआ होल एरे का एड्रेस, होल एरे का एड्रेस मीन्स कितने बाइट्स हैं 12 bytes, और इस पॉइंटर के थ्रू भी कितने एलिमेंट पॉइंट हो रहा है 6 element, और एक एलिमेंट का साइज 2 byte है तो 6 element का साइज क्या हुआ 12 bytes। मीन्स इस पॉइंटर के थ्रू 12 bytes पॉइंट करना पॉसिबल, आसान क्या हुआ एड्रेस ऑफ ए मीन्स बेस एड्रेस मीन्स 100। जिस तरह से प्रीवियस केस में पॉइंटर पी में क्या आसान कराया था फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, लेकिन क्यू में क्या आसान हो रहा होल एरे का एड्रेस। क्लियर, नेक्स्ट वन, प्रीवियस केस में पी कितने बाइट्स करने था ओनली बिगिनिंग 2 bytes, लेकिन यहाँ क्यू कितने एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा 6 element। इसे यहाँ 6 का मतलब ये नहीं कि 6 से एरे डिक्लेरेशन पॉइंट हुआ, 6 का मीनिंग क्या है दिस पॉइंटर पॉइंटिंग 6 element फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स, जो भी आप एड्रेस असाइन कराओगे उस एड्रेस से जस्ट ए पॉइंटर कितने एलिमेंट्स को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा 6 elements। इस केस में एक और नेम क्रिएट हुआ स्टार क्यू, स्टार क्यू इस केस में नेम किसका होगा स्टार क्यू इज द नेम ऑफ दिस कंप्लीट एरे, जिस टाइप से इस कंप्लीट एरे का एग्जिस्टिंग नेम क्या ए, सिमिलरली इसका एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार क्यू। मीन्स इस केस में स्टार क्यू एग्जैक्टली किसके सिमिलर है ए, मीन्स इस होल एरे के नेम के सिमिलर। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप इस केस में ए का साइज डिस्प्ले करा दो, जस्ट बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाट इज द साइज ऑफ, अगर मैं डिस्प्ले कराया इस केस में साइज ऑफ ए, तो ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है एरे नेम, इसे एरे का साइज क्या है 12 bytes, क्या डिस्प्ले हुआ इस केस में 12। सेम है अगर मैं डिस्प्ले कराता हूँ साइज ऑफ पी, पी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पी इटसेल्फ क्या है पॉइंटर, और पॉइंटर का साइज क्या है पी के केस में जस्ट 2 bytes, तो क्या आएगा इस केस में 2। सेम है अगर मैं डिस्प्ले कराता हूँ साइज ऑफ क्यू, साइज ऑफ क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्यू क्या है क्यू इज ऑल्सो पॉइंटर, लेकिन इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है आपको क्यू इटसेल्फ क्या है लाइक है एरे, लेकिन क्यू अगर रियल में पॉइंटर तो क्यू का भी साइज करना सही आना चाहिए इस केस में 16-bit कंपाइलर में ऑल्सो 2। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगर मैं इस प्लेस पर डिस्प्ले कराता हूँ साइज ऑफ स्टार पी, चेक इट, इस केस में स्टार पी कितने बाइट्स को रेफर कर रहा है ओनली 2 bytes, तो स्टार पी का साइज क्या है जस्ट 2 byte। सिमिलरली अगर मैं डिस्प्ले कराता हूँ साइज ऑफ स्टार क्यू,
स्टार की उस केस में कितनी बाइट्स को रेफर कर रहा है, अगर रियल में मींस स्टार से ए की बात करूं तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल एरे, और होल एरे का साइज कितना है 2, इसलिए फर्स्ट केस में साइज ऑफ ए के केस में क्या डिस्क्यूबर 2। अगर रियल में स्टार की भी कंप्लीट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में स्टार की का साइज क्या चाहिए ऑल्सो 12, क्या इस केस में 12, क्लियर। वन मोर थिंग्स, इन दैट केस अगर आपको जस्ट P में इंक्रीमेंट करा दो, टू पॉइंटर्स हैं आपके पास, आपको कॉन्सोलिडेट क्या करना P एंड Q। अगर मैं राइट डाउन करता हूँ P, P के केस में क्या आएगा, P में करेंटली क्या स्टोर है जस्ट 100, और सेकंड केस में मैंने राइट डाउन किया P प्लस 1, तो फर्स्ट केस में P के प्लेस पर क्या आएगा, P का वैल्यू 100, और P के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं, ओनली 2 बाइट्स, तो इसलिए जब आप P में इंक्रीमेंट कराओ तो P में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, ओनली 2 से, तो P प्लस 1 मीन्स 100 प्लस 1, इसमें इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से, तो P प्लस 1 के केस में क्या आएगा जस्ट 102। सेम केस टेस्ट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल Q, Q ऑर्डिनरी पॉइंटर है इस केस में, पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर टू एन एरे मीन्स व्हाट, दिस इज द पॉइंटर पॉइंटिंग कंप्लीट एरे और पार्ट ऑफ एरे और पॉइंटिंग एन एलिमेंट ऑफ सच एरे, क्लियर। इस केस में पॉइंटर टू एन एरे, ऑर्डिनरी पॉइंटर किसी भी एरे के ओनली सिंगल एलिमेंट को पॉइंट करता है, जबकि पॉइंटर टू एन एरे किसी भी एरे के या तो कंप्लीट एलिमेंट पॉइंट करेगा, होल एरे और पार्ट ऑफ एरे डिपेंड करेगा। मीन्स पॉइंटर टू एन एरे के थ्रू किसी भी एरे के एन एलिमेंट्स पॉइंट कराना पॉसिबल है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इन दैट केस अगर मैं राइट डाउन करता हूँ क्यू, Q डिस्प्ले कराएं तो Q में भी क्या स्टोर है 100, तो Q के प्लेस पर भी क्या डिस्प्ले होगा 100। जस्ट सेम प्लेस पर अगर मैं Q में इंक्रीमेंट कराता हूँ, जस्ट ऑर्डिनरी पॉइंटर में जब मैंने इंक्रीमेंट कराया तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ 2 से, लेकिन इस केस में Q क्या है पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर टू एन एरे में जब भी आप 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, जस्ट मैंने बेसिकली डिस्कस किया किसी भी पॉइंटर में इंक्रीमेंट कराने पर इंक्रीमेंट कितने से होता है, डिपेंड करेगा इस पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं, पी के थ्रू 2 बाइट्स पॉइंट हो रहे थे, इसलिए पी के केस में कितने बाइट्स इंक्रीमेंट हुआ 2 से, लेकिन क्यू के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं 2 बाइट्स और 12 bytes, इसे कंप्लीट 6 एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 6 एलिमेंट का साइज क्या है 12, तो स्टार क्यू कितने bytes को रेफर कर रहा है 12 bytes, मींस फाइनली क्यू कितने bytes को पॉइंट कर रहा है 12 bytes, तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से हुआ 12 से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पॉइंटर एंड पॉइंटर टू एन एरे। एरे ऑफ पॉइंटर्स की बात करें, एरे ऑफ पॉइंटर्स के केस में सिंपली आपने 5 पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट किए जिनके अंदर 5 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के एड्रेस स्टोर कराना पॉसिबल है। या पॉइंटर अगर क्यू की बात करें तो क्यू में इंक्रीमेंट करना पॉसिबल है इन दैट केस, इन गिवन केस, क्योंकि पी क्यू सॉरी इस केस में बात कर रहे हैं, इस केस में पी में इंक्रीमेंट या असाइनमेंट पॉसिबल है क्योंकि इस केस में पी क्या है पॉइंटर, लेकिन इस केस में बात करें तो इस केस में एरे के रिस्पेक्ट में पी में इंक्रीमेंट या असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है जब भी आप एरे में इंक्रीमेंट कराते हैं, एरे में असाइनमेंट कराते हो, रेज क्या होता है इस केस में कंपाइल टाइम एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू एन एरे। नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट डिस्कस करेंगे गिवन एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके सारे के सारे प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे। अगेन इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले अगेन फिर से मैं एक बार सेपरेटली इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस केस में पॉइंटर टू एन एरे। सपोज दैट अगर आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंटर एरे क्रिएट किया है, एरे ए, इस एरे के केस में टोटल एलिमेंट्स कितने, अगेन 6, क्लियर, समथिंग 10, 20, 30 अप टू 60। नेक्स्ट वन, इस केस मैंने क्रिएट किया पॉइंटर टू एन एरे विच इज पॉइंटिंग 3 एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे। इस केस में पी क्या है, अगेन पॉइंटर, लेकिन पी के थ्रू किसी भी एरे के कितने एलिमेंट्स पॉइंट होंगे, 3 एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स, मीन्स 3 एलिमेंट किस प्लेस से पॉइंट होना स्टार्ट होंगे, जिस प्लेस का आपने एड्रेस असाइन किया है। नेक्स्ट केस मैंने असाइन करा है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए मीन्स बिगिनिंग एड्रेस ऑफ गिवन एरे। अगेन इस केस में मैं कंप्लीटली डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करंटली इस एरे के अंदर, अगेन टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्स, सेम 10, 20, 30, 40, 50 and 60, अगेन सेम एड्रेसिंग 100, 102, 104, 106, 108 and 110, क्लियर। एरे का नेम क्या है इस केस में, ए, आपको कंसोलिडेट करना पॉइंटर प्रॉपर्टी, देन इस केस में सेकंड केस में पॉइंटर वैल्यू क्रिएट हुआ पी, और इस पी के रिस्पेक्ट में साइन क्या हो रहा है, इसे एरे के कंप्लीट मीन्स बिगिनिंग एड्रेस, बिगिनिंग एड्रेस क्या इस केस में 100, तो पी में क्या कॉपी हो जाएगा 100। अब इस केस में पी कितने बाइट्स को रेफर करेगा,
दिस कंप्लीट ब्लॉक, इस पूरे के पूरे ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी। क्लियर, इस पूरे ब्लॉक के टोटल नेम्स कितने आपके पास, टू नेम्स, स्टार पी एंड ए। अदर नेम क्या है, ऑल्सो ए। इस ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, स्टार से ए इस कंप्लीट एरे का नेम है। सिमिलरली स्टार पी भी नेम किसका, स्टार पी इज ऑल्सो नेम ऑफ दिस कंप्लीट एरे। और जो प्रॉपर्टी आप ए के लिए अप्लाई करते हो सेम प्रॉपर्टी स्टार पी के लिए अप्लाई करना पॉसिबल। मीन्स स्टार पी एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर टू ए, लेकिन डिफरेंस क्या है इसके इसमें, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक किया था, ये क्या है, ए टोटल सिक्स एलिमेंट का नेम है। मीन्स ए के रिस्पेक्ट में जस्ट इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। मीन्स ए क्या है इसके इसमें, ए इज अ नेम ऑफ कंप्लीट एरे, इस पूरे के पूरे ब्लॉक का नेम क्या है, ए। लेकिन अगर स्टार पी की बात करें, पी में कैसा होगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, देन पी कितने एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा, पी कैन पॉइंट ओनली बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम अ गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स। मीन्स आपने जो भी एड्रेस असाइन किया है, इस एड्रेस से कितने एलिमेंट्स को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, ओनली बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स। तो इसके इसमें स्टार पी पूरे के पूरे कंप्लीट एरे का नेम होगा या ओनली बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स का नेम है, स्टार पी इज अ नेम ऑफ ओनली थ्री एलिमेंट्स। क्लियर, इस केस में ए कितने बाइट्स का नेम है, 12 बाइट्स का, लेकिन स्टार पी कितने बाइट्स का नेम है, 6 बाइट का, क्योंकि बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स का नेम क्या है, स्टार पी। ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है, ए जीरो, सेकेंड एलिमेंट का नेम क्या है, ए वन, और थर्ड एलिमेंट का नेम क्या है, ए ऑफ टू। सिमिलरली ए थ्री, ए फोर एंड ए फाइव। क्लियर, इसे ए से कंप्लीट एरे का नेम है, लेकिन स्टार पी ओनली बिगिनिंग थ्री एलिमेंट का नेम है, क्योंकि अगर आपने इस प्लेस पर सिक्स पास किया होता देन इस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू कितने एलिमेंट्स पॉइंट होते, ऑल सिक्स एलिमेंट्स, लेकिन करंटली थ्री पास के, इसलिए इस एरे के थ्रू सॉरी पॉइंटर के थ्रू कंप्लीट एरे पॉइंट हो रहा है, पार्ट ऑफ एरे ओनली बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर केस में स्टार पी को भी आप कंसिडर कर सकते हो लाइक एरे नेम। अगर स्टार पी को मैं एक्स से रिप्लेस कराता हूँ तो इस लोकेशन का नेम क्या होगा, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। तो स्पेस पर जस्ट एलिमेंट को रेफर करने का वे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट को आप नेम दोगे स्टार पी ऑफ जीरो। क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी ऑफ वन। अगर आप स्टार पी जीरो डिस्प्ले कराओ डिस्प्ले क्या होगा, 10। स्टार पी ऑफ वन डिस्प्ले कराओ डिस्प्ले क्या होगा, 20। सेम एज स्टार पी ऑफ टू, स्टार पी ऑफ टू डिस्प्ले कराओ डिस्प्ले क्या होगा, जस्ट 30। क्लियर, नेक्स्ट टाइम करेंटली जैसे इस केस में 100 था देन बिगिनिंग एलिमेंट्स को पॉइंट करा रहा है, अगर आप इस प्लेस पर डिस्प्ले कराते हो प्रिंट एफ, सपोज दैट प्रिंट एफ में मैंने डिस्प्ले कराया प्रिंट एफ परसेंट डी देन स्टार पी ऑफ जीरो, स्पेशली यहाँ रखना ब्रैकेट पास करना कंपलसरी है। मीन्स ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट दोनों में डिफरेंस क्या होंगे, डिफरेंस भी मैं आपको जस्ट अभी मेंशन करूंगा। स्टार पी ऑफ जीरो, स्टार पी ऑफ वन कॉमा स्टार पी ऑफ टू। क्लियर, इस केस में इस पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं, 6 बाइट। तो जब भी आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट भी कितने बाइट्स होगा, ऑल्सो 6 बाइट्स। क्लियर, फर्स्ट केस डिस्प्ले करा एलिमेंट स्टार पी जीरो स्टार पी वन स्टार पी थ्री डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में, 10 20 एंड 30 स्लैश एंड राइट किया था, लाइन चेंज हो जाए। नेक्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म कराया पी प्लस प्लस, मोस्ट इंपोर्टेंट केस पी प्लस प्लस, या पी के केस में जस्ट इंक्रीमेंट कितने से हुआ, इट इज इक्वेलेंट टू पी इक्वल टू पी प्लस वन। और इस पॉइंटर के थ्रू अगर 6 एलिमेंट पॉइंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, ऑल्सो 6। क्लियर, देन इस केस में जस्ट पी में कैसे हो रहा है, 100 प्लस 6 बिकम्स 106। तो नेक्स्ट टाइम पी में कैसा हो जाएगा, 106। जैसे इस केस में पी में 106 आसान होगा तो इमीडिएटली पी किस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 106 ऑनवर्ड्स। प्रीवियस केस में जब इस प्लेस पर 100 स्टोर था यानी 100 लोकेशन से पॉइंट कर रहा था, अब सेम केस में मीन्स ये लोकेशन जस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्लस स्टार पी अब न्यू लोकेशन का नेम होगा, स्टार पी किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करे, फ्रॉम 106 ऑनवर्ड्स। तो 106 ऑनवर्ड्स अगेन कितने एलिमेंट्स पॉइंट होंगे, 6 एलिमेंट्स इस केस में, सॉरी 3 एलिमेंट्स और 6 बाइट्स।
इस केस में थ्री एलिमेंट्स के, इस कंप्लीट थ्री एलिमेंट के ब्लॉक को एक नेम आसान हो जाएगा स्टार पी। इस प्रीवियस केस में स्टार पी कितने एलिमेंट का नेम था, थ्री, लेकिन थ्री एलिमेंट स्टार्ट कहां से हुए थे, फ्रॉम 100। लेकिन जैसे इस केस में 106 आसान हुए थे, पॉइंट किस लोकेशन से करेगा, फ्रॉम 106 ऑनवर्ड्स, और 106 ऑनवर्ड्स कितने एलिमेंट पॉइंट होंगे, अगेन थ्री एलिमेंट। अगर आप चाहते हो इस पॉइंटर के थ्रू ऑल एलिमेंट्स पॉइंट करना, देन इसका साइज का लेना चाहिए आपको 6। इन दैट केस अगेन फिर से इस केस में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के नेम्स के क्रिएट होंगे। इस फर्स्ट एलिमेंट का मीन्स इस केस में इसका नेम क्या हो जाएगा, स्टार। प्रीवियस केस में स्टार पी जीरो किसका नेम था, 100 का, लेकिन इस केस में जैसे इस केस में 106 आया, तो 106 लोकेशन के केस में इसका नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी ऑफ जीरो। सेकेंड एलिमेंट का नेम क्या हुआ, स्टार पी ऑफ वन, देन स्टार पी ऑफ टू। मीन्स इस केस में लोकेशन फिक्स्ड है, चेंजेबल, चेंजेबल मीन्स स्टार पी ऑफ जीरो, स्टार पी ऑफ वन और स्टार पी किस लोकेशन का नेम हुआ डिपेंड करेगा पी में एड्रेस किस लोकेशन का है। अगर सेम प्रिंट एप में फिर से पुट करता हूँ, फिर से हमने डिस्प्ले कराया प्रिंट एप परसेंट डी मीन्स सेम केस, देन स्टार पी ऑफ जीरो कॉमा स्टार पी ऑफ वन कॉमा स्टार पी ऑफ टू। अगर सेम एक्सप्रेशन में फिर से राइट डाउन करूँ तो स्टार पी जीरो केस में क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या है 40, स्टार पी ऑफ वन का वैल्यू क्या आएगा जस्ट 50 एंड 60। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू एन एरे। वन मोर थिंग्स, इस केस में अगेन मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, इस आउटपुट को पहले आप कॉपी कर लेना, मैं जस्ट नेक्स्ट केस में डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन एक्सप्रेशंस। मीन्स अगेन एज्यूम करो इस केस में आसान क्या हुआ है, जस्ट 100 करेंटली क्या स्टोर्स में 100, मीन्स प्रीवियस के केस में जस्ट मैं फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करूँ तो 100 के केस में अगेन ही रेफर किसको करेगा, प्रीवियस लोकेशन। इन दैट केस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सप्रेशन, सपोज दैट इस केस पर उन्होंने डिस्प्ले कराया फर्स्ट केस में प्रिंट एफ, इसे डिफरेंट केस है सेकेंड केस, क्लियर, प्रिंट एफ परसेंट डी परसेंट डी। अगर इस केस में डिस्प्ले कराता हूं जस्ट स्टार पी ऑफ वन कॉमा वन मोर केस डायरेक्टली विदाउट ब्रैकेट स्टार पी ऑफ वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशन, मीन्स इन दोनों ही एक्सप्रेशन को जस्ट कंपेयर करना लॉजिकली इन केस में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट केस में मैंने स्टार भी ब्रैकेट्स के फॉर्म में राइट किया, सेकेंड केस में स्टार भी डायरेक्टली राइट किया है। अगेन स्टार पी के रिस्पेक्ट में चेक करो, स्टार पी में करेंटली एड्रेस किस लोकेशन का है, 100 लोकेशन का, तो स्टार पी करेंटली किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करा, फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स, और 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स कितने एलिमेंट्स पॉइंट हो रहे हैं इससे, ओनली बिगिनिंग थ्री एलिमेंट्स, क्लियर। तो फर्स्ट केस में अगर बात करें, फर्स्ट केस में जब इसको रिजोल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था सारे के सारे पॉइंटर एक्सप्रेशन, सॉरी एरे एक्सप्रेशन इंटरनली प्रोसेस किस फॉर्म होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो इस केस में इसको कंसिडर करोगे जब a ऑफ i, a ऑफ i, तो a के प्लेस पर क्या रिप्लेस, a ऑफ i का जस्ट कन्वर्जन क्या होता है, स्टार a प्लस i, या a के प्लेस पर जस्ट क्या रिप्लेस करोगे, स्टार p, a के प्लेस पर क्या जाएगा, स्टार p प्लस i के प्लेस पर क्या जाएगा, 1, क्लियर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में जस्ट रिजॉल्व करें तो किस टाइप से रिजॉल्व होगा, फर्स्ट केस p स्टार P के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, P का वैल्यू, P के केस में क्या है जस्ट 100 प्लस 1, इस केस में स्टार 100 स्पेशली याद रखना P में करंटली क्या स्टोर है 100, तो इस केस में इस लोकेशन का P के रिस्पेक्ट में और 100 के रिस्पेक्ट में एक और नेम क्या है, मीन्स स्टार P एग्जैक्टली किस केस में, स्टार 100, और ये स्पेशली याद रखना इस फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, इस फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है स्टार 100, इसलिए ब्लॉक का अदर नेम क्या है स्टार 100, और इस फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, इसलिए इसका एक और नेम क्या होगा स्टार 100। तो स्टार 100 दोनों ही प्लेसेस के नेम है, स्टार 100 इस कंप्लीट ब्लॉक का भी नेम है, इस एरे के किस मात्र में होल एरे का एड्रेस क्या है 100, तो कंप्लीट ब्लॉक का भी नेम क्या है ऑल्सो स्टार 100, इसे स्टार 100 कंप्लीट ब्लॉक का भी नेम हो सकता है, बिगिनिंग थ्री एलिमेंट का भी नेम हो सकता है, बिगिनिंग फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम हो सकता है, बिगिनिंग टू एलिमेंट का भी नेम हो सकता है, डिपेंड करेगा करेंटली आप किस एक्सप्रेशन के थ्रू इसको मैनेज कर रहे हो। तो करेंटली मैंने राइट डाउन किया स्टार पी,
इस केस में स्टार पी के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या कर सकते हो, स्टार 100। तो स्टार 100 इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम है, और जब भी ब्लॉक का नेम यूज करते हो तो ब्लॉक नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है, ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। मींस अगर आप यूज करते हो जस्ट एरे नेम, एरे नेम इस पूरे ब्लॉक का नेम है, एरे नेम के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। सिमिलरली स्टार भी इस ब्लॉक का नेम है, मींस थ्री एलिमेंट का नेम, तो स्टार पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, इसे ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मींस व्हाट, ओनली फर्स्ट 2 बाइट का एड्रेस। तो इस प्लेस पर स्टार 100 और स्टार पी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, स्टार पी के अकॉर्डिंग क्या रिप्लेस होगा, इस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100। 100 प्लस 1 में से फर्स्ट एलिमेंट का अगर एड्रेस है तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा, साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का साइज 2 बाइट है तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, जस्ट 2 से, क्या आएगा 102। तो स्टार किसके लिए अप्लाई हो रहा है, 102 के लिए, इससे वैल्यू किसका आएगा, जिस लोकेशन का एड्रेस 102 है, 102 का भी एक और नेम क्या होगा लॉजिकली, स्टार 102। ये सारे प्रोसेस में ऑलरेडी प्रीवियस केस में आपको बता चुका हूँ, अगर किसी लोकेशन का एड्रेस एन है तो उसी का अदर नेम आप यूज कर सकते हैं स्टार एन। फाइनली इस केस में वैल्यू किस लोकेशन का आएगा, स्टार 102। स्टार 102 में क्या स्टोर है, 20। तो इस केस में जस्ट अगर बात करें, फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा 20, सेकेंड आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा इस केस में 20। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाई थर्ड केस, थर्ड केस में जस्ट बात करें तो थर्ड केस में राइट डाउन क्या हुआ है, स्टार पी ऑफ 1। इस पर्टिकुलर केस में टोटल 2 ऑपरेटर्स अप्लाई हुआ, प्रीवियस केस में टोटल 2 ऑपरेटर्स थे स्टार और ब्रैकेट, लेकिन इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, ब्रैकेट का, लेकिन प्रायोरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज क्या किया था, ब्रेसिस और पैरेंथेसिस, लेकिन इस केस में मैंने पैरेंथेसिस यूज नहीं किया, तो इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, बाइनरी ब्रैकेट। तो इस केस में याद रखना, ब्रैकेट के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, स्टार पी और ओनली पी, ओनली पी, और सेकेंड ऑपरेंड क्या है 1। तो सबसे पहले इस केस में रिजॉल्व कौन होगा, ओनली पी ऑफ 1, तो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, लाइक दैट पी ऑफ 1, क्लियर, देन स्टार, और पी ऑफ 1 को आप किस टाइप से राइट डाउन करोगे, अगेन स्टार पी प्लस 1, लाइक दैट। तो पी की बात करें, पी पॉइंटर और पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, जस्ट 100। पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, 100, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार स्टार 100 प्लस 1। चेक करो इस केस में, इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट कराएंगे तो पॉइंटर के थ्रू 6 बाइट पॉइंट, और इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा इस केस में, एग्जैक्टली 6। तो 100 प्लस 6 क्या जाएगा, 106 स्टार स्टार। इस केस में स्टार 106 क्या है, इस ब्लॉक का नेम, चेक कर सकते हो, इस ब्लॉक का भी, सेकंड ब्लॉक की बात करें तो सेकंड ब्लॉक का भी एड्रेस क्या है, सेकंड ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है, 106। तो इस 106 के रिस्पेक्ट में इसका एक और नेम क्या बोल सकते हो आप, स्टार 106, मीन्स नेम ऑफ 3 एलिमेंट्स, क्लियर, 3 एलिमेंट्स का भी नेम क्या, स्टार 106। तो इस प्लेस पर जब ब्लॉक नेम यूज करो तो अगर ब्लॉक नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया वो ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इसे ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मीन्स 40 का एड्रेस, तो 40 का एड्रेस क्या है, 106। तो इस प्लेस पर स्टार 106 के प्लेस पर क्या आएगा, ओनली 106, लेकिन 106 ओनली 2 बाइट्स का नेम है और फर्स्ट एलिमेंट का नेम है, तो एलिमेंट के लिए अगेन स्टार अप्लाई होगा, तो उससे क्या रिप्लेस होगा, इस एलिमेंट का वैल्यू विच इज 40। मीन्स फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले हुआ था 20, लेकिन इस केस में क्या डिस्प्ले हुआ, जस्ट 40। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स, मीन्स इस केस में एग्जाम्पल्स के रिस्पेक्ट में इसका आउटपुट मैं सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा।